देखेंगे कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर किस तरीके से विकसित हुआ, ठीक है, और इसके विकास में किन किन छोटे या बड़े योगदान किए गए, उन सभी को हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर की एक अवधारणा जो शुरू हुई वो इस अबेकस से हुई, ठीक है। 3000 वर्ष पूर्व अबेकस को चीन में डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक डिवाइस दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अबेकस क्या होता है, तो अबेकस बिल्कुल इस तरीके से डिवाइस होता था, जिस पर ये देख सकते हैं लकड़ी का एक फ्रेम बना है जहां पर कुछ मोती पिरोए गए हैं, और इन्हीं को हम ऊपर इस तरीके से या नीचे कर इनकी संख्याओं को गिनते हैं, ठीक है, जिससे इसका उपयोग हम बेसिकली एडिशन के लिए करते थे, एडिशन और कभी कभी मल्टीप्लिकेशन वगैरह के लिए भी इसका यूज किया जाता था। तो ये है हमारा अबेकस जो 3000 वर्ष पूर्व चीन में इसका विकास किया गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान में भी चीन और कई देशों में एडिशन जैसे कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आया ब्लेज पास्कल का पास्क लाइन, ठीक है। ब्लेज पास्कल ने एक पास्क लाइन मशीन का निर्माण किया, जो ब्लेज पास्कल जी ने पास्क लाइन मशीन निर्माण किया वो बिल्कुल अभी भी आप वर्तमान में चाहे तो उसको देख सकते हैं, जैसे आपका घड़ी, ठीक है। और दूसरा होता है बाइक्स और जितने भी ऑटोमोबाइल उनके जो ऑटोमीटर माइक्रोमीटर होते हैं उनमें आप देख सकते हैं, उनमें इस तरीके का एक गियर लगा होता है, इस तरीके का गियर लगा होता है और एक सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये जो सॉफ्ट है इस गियर को घुमाता है, तो और हर जो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्थान होता है उसका एक अपना एक नंबर होता है। जैसे कि घड़ी में हमने देखा है कि 1 से लेकर 12 तक अलग अलग स्थानों पर नंबर लिखा होता है, और जैसे जैसे हमारे घड़ी के जो कांटे हैं जहां पहुंचता है हम समझ जाते हैं कि अभी वही समय हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही ब्लेज पास्कल ने इन गियर और सॉफ्ट का प्रयोग करके कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाया जिसे ब्लेज पास्कल का पास्क लाइन कहा जाता है, और इसका उपयोग कैलकुलेशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे कार्यों के लिए किया गया, और इसका जो रिपोर्ट होता था, जो आउटपुट होता था, वो अबेकस से ज्यादा ही मैच्योर और सही आंसर दिलाने वाला होता था। तो ये था पास्क लाइन, ठीक है। उसके बाद आया हमारा जैकार्ड लूम, ठीक है। जोसेफ जैकार्ड लूम प्रोफेशन से एक जुलाहे थे, ठीक है। इनका कार्य होता था, ये कपड़ों की बुनाई करते थे, परंतु इनको एक समय में ऐसा प्रतीत हुआ कि लगातार एक ही डिजाइन के कपड़े बेच पाना बहुत दिक्कत का काम है। इसलिए उन्होंने अपने जो लूम मशीन में एक पंच कार्ड का निर्माण किया, और वो पंच कार्ड लकड़ी से बना हुआ था। पंच कार्ड एक ऐसा डिवाइस होता है, या हम कहें कि एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर सूचनाओं को डाला जाता है, और जब उस सूचनाओं को उस पंच कार्ड में डालने के बाद उसको हम कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हैं, तो वो जो सूचना है वो प्रोग्राम के तरीके से व्यवहार करता है और कंप्यूटर को निर्देश देता है कि आपको इस तरीके से काम करना है। तो बिल्कुल जो जैकार्ड लूम ने अपने हर कपड़े में नया नया डिजाइन देने के लिए हर बार नया नया पंच कार्ड उपयोग किया, और हर कपड़े को नया नया डिजाइन दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर को प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल करने की जो पहली अवधारणा है वो जोसेफ जैकार्ड लूम ने दिया, ठीक है, उनके लूम मशीन ने दिया कि किस तरीके से कंप्यूटर को हम प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के आने से पहले जो सारे कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर के पूर्व के जो डिवाइस थे ये मैनुअल वर्क करते हैं। मैनुअल वर्क मतलब इसको हमको हाथ से घुमाना पड़ता था या जैसे भी हो, और इनकी जो एक्यूरेसी है इसमें हमेशा संशय बना हुआ रहता था। तब यहाँ पर इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया ये मैनुअल नहीं थे, ये भाप से चलते थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने इसमें गियर और सॉफ्ट का प्रयोग किया, ठीक है, गियर और सॉफ्ट का। तो सबसे पहले आया डिफरेंस इंजन, ठीक है, डिफरेंस इंजन आया जो कैलकुलेशन के लिए सबसे परफेक्ट था और किसी प्रकार से के इरर से फ्री था, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही कुछ समय बाद अपने ही डिफरेंस इंजन में कुछ एडवांस तकनीक का प्रयोग करके एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। वर्तमान में एनालिटिकल इंजन का उन्होंने प्रयोग किया, और ये बहुत ही अच्छा कार्य करता था, और इसका आउटपुट जो था वो डिफरेंस इंजन से कहीं बेहतर था। इसके बाद समय बीतते गया और तीसरा आया फिर हमारे पास लेडी एडा अगस्टा का, ठीक है, एडा अगस्टा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ब्लेज
हमारे जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन थे, ठीक है, चार्ल्स वेब ने बनाया था, इसको कहीं ना कहीं डोमिनेट किया जा रहा था कि ये बेकार है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं था, ये मैनुअल से ऑटोमेटिक चलने वाला तो बन गया था परंतु इसमें ऑटोमेटिक किसी एक्टिविटी को करने की क्षमता नहीं थी, तो इसलिए इसको बेकार समझा जा रहा था। पर यहीं पर लेडी एडा अगस्टा ने प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया, प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को इन कंप्यूटर्स पे डालकर इन कंप्यूटर से ऑटोमेटिक कार्य कराना प्रारंभ किया। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में जान डालने का काम लेडी एडा अगस्टा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने किया, और इन्होंने प्रोग्राम जो लेडी एडा अगस्टा इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किया। इनके नाम पर जो एक प्रोग्रामिंग भाषा है एडा, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लेडी एडा अगस्टा के नाम पर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हरमन हॉलेरिथ, ठीक है, 19वीं शताब्दी में हरमन हॉलेरिथ ने एक मशीन बनाया, ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पंच कार्ड बनाया। इससे पूर्व अमेरिका में जो जनगणना होती थी उसके लिए 7 वर्ष का समय लगता था, परंतु हरमन हॉलेरिथ ने इलेक्ट्रिक पंच कार्ड का निर्माण किया, और इलेक्ट्रिक पंच कार्ड का निर्माण करके उसको कंप्यूटर में उपयोग करके जब उसके द्वारा वहां पर जनगणना का कार्य किया गया तो बिल्कुल ही किसी ने सोचा नहीं था कि सिर्फ 3 वर्ष में ही वहां पर जनगणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया और सारे रिजल्ट दे दिए गए, ठीक है। तो हरमन हॉलेरिथ ने उसको बनाया था इलेक्ट्रिक पंच कार्ड, और यहीं पर से यह माना जाता है कि यहां पर से आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लस मैकेनिकल दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का विकास यहीं से प्रारंभ हुआ हरमन हॉलेरिथ के समय में। तो कुछ समय बाद हरमन हॉलेरिथ की कंपनी को एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया, और फाइनली कुछ समय और आगे जाने के बाद एक नई कंपनी का आविष्कार हुआ जिसका नाम रखा गया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसके बारे में आप आज भी जानते हैं, जो बहुत ही प्रख्यात कंपनी है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और जैसे जैसे ये समय बीतता गया और समय बीतता गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर उस समय बहुत ही पॉपुलर हो चुका था, तब यहाँ पर हरमन हॉलेरिथ की कंपनी के और इंजीनियर्स कुछ और इंजीनियर्स ने मिलकर एक नया मशीन बनाया, और वो प्योरली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था जिसका नाम रखा गया, ठीक है, Mark 1, ठीक है, नाम ये नाम इन्होंने नहीं दिया, इस मशीन को हावर्ड आइकेन ने बनाया था, और उसके बाद जिस विश्वविद्यालय को दिया गया वहां पर इस पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन का नाम रखा गया Mark 1, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा केबल्स का प्रयोग किया गया, लगभग 10 लाख संयोजन थे और 600 से अधिक मील तक की दूरी के लायक के बराबर केबल इसमें उपयोग किया गया था, और एक कैलकुलेशन एक सिर्फ डिवीजन को करने के लिए 12 सेकंड का समय लगता था। तो हम सोच सकते हैं कि उस समय कंप्यूटर कितना स्लो था, परंतु उस समय का यह सबसे एडवांस कंप्यूटर माना जाता था Mark 1। इसके बाद समय बीतता गया और एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर 1945 में पहला ABC कंप्यूटर बनाया, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है, एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर, ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जिसमें जो कि हम मान सकते हैं कि वर्तमान में जिस कंप्यूटर का हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं वो एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने 1945 बनाया है, ठीक है। और जैसे ही 45-46 में ही, ठीक है, नॉर्मली घर यूज के लिए एक जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था ENIAC, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर विकसित होते होते ENIAC तक पहुंचा, और अभी आप देख सकते हैं लगातार कंप्यूटर में विकास चल ही रहा है। तो याद रखिएगा पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका ये ENIAC है। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो Mark 1 है, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेबेज है, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर के विकास में Abacus है, ठीक है। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन किसने बनाया था, लेडी एडा अगस्टा ने बनाया था, ठीक है। और वुडन पंच कार्ड किसने बनाया था, जोसेफ जेकार्डो ने, और इलेक्ट्रिक पंच कार्ड हरमन हॉलेरिथ ने, ठीक है। और यहाँ पर पहला डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, तो एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने बनाया था ABC कंप्यूटर। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है।